ये खाली लतीफाबाद में ही नहीं, तकरीबन हर जगह पे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पे हादसा होते रहते हैं, कभी किसी बंदे की टांग टूटती है, कभी गाय की टांग टूटती है। 2 बच्चे मर चुके हैं और लेडीज को भी टक्कर मारी है पीछे से। ये खाली लतीफाबाद में ही नहीं, तकरीबन हर जगह पे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने। कुरैशी लोग हैं, ला ला के छोड़ देते हैं। यहाँ पे हादसा होते रहते हैं, कभी मोटरसाइकिल स्लिप होती है, कभी लेडीज बेचारी भागने में गिर जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। पता नहीं हमारे यहाँ की इंतजामिया इनसे भत्ता खा रही है या इनसे माल ले लेके बटोल के रख रही है। इधर से मिनिस्टर भी गुजर रहा है, मोबाइलें भी गुजर रही है। पता नहीं सब लोगों ने आंखों में पट्टी बांध रखी है क्या, कभी इधर कभी उधर। उधर से भागाते लोग उस साइड जाते हैं, बीच में लेडीज या बच्चा कोई होता है गिर जाता है, चोट लग जाती है। मेहरबानी करें, इंतजामिया को कहे कि इससे हमारी जान छुड़ाए कि ये यहाँ पे गायें घूम रही है, बच्चे मर रहे हैं रोजाना। 2 इंसिडेंट हुए हैं छोटी छोटी साइकिल के ऊपर, एक मटके वाले के इधर और एक यहाँ पे। 2 बच्चे मर चुके हैं और लेडीज को भी टक्कर मारी है पीछे से। बेचारी अम्मा जी की कमर टूट गई, किसी का कूलर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। फरूट वालों के ठेलों पे मुंह मारती हैं, पकोड़े वाले के बेचारे के उस दिन पकोड़े खा गए इतने सारे। ये चावल वाला खड़ा हुआ था, चावल खा गए इतने सारे। रक्षे वाले के शीशे में टक्कर मारी, बेचारे का रक्षा तोड़ दिया 500 रुपये का, 1000 रुपये का। और ये फरूट वालों का नुकसान पे नुकसान हुए जा रहे हैं। और ये हड्डियाँ जो टूट रही हैं लेडीज़ों की इज्जत है नहीं है। गायों का तो मसला बड़ा खतरनाक है, आए दिन ये रोडों के ऊपर घूमती है, एक्सीडेंट होते हैं। कभी कोई गाड़ी के नीचे आता है, कभी गाय नीचे आती है गाड़ी के, कभी किसी बंदे की टांग टूटती है, कभी गाय की टांग टूटती है। मैं ये जिनकी गाय, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई ये जानवर हैं, आप इनका ख्याल करें। अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का जाके कि आपने जिस तरीके से इन जानवरों को बाहर रोड पे छोड़ा हुआ है, ये लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं और लोग इनको नुकसान पहुँचाते हैं। आप आए दिन किसी गाय की टांग टूट जाती है, किसी के बंदों के हाथ पांव टूटते हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? हमारे यहाँ पे ना कमिश्नर साहब को होश है, ना SP साहब को, ना किसी इदारे को ये पता है कि रोडों पर गायें घूम रही हैं और इनको को रोकने वाला है कि नहीं है। अगर ये गायें कानूनी तौर पर घूम रही हैं तो भाई, अगर ये कानून है माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, और अगर नहीं है तो उस पर अमल दरामद कौन कराएगा? क्या आवाम आपस में लड़े इस मामले में कि भाई गाय क्यों घूम रही हो, कहाँ गाय नहीं घूमना चाहिए? कि गवर्नमेंट के इदारे कोई हैं कि नहीं है पाकिस्तान में? अगर नहीं है तो भाई आप जाओ घर के ऊपर, क्यों हमारी से टैक्स लेते हो, क्यों हमारे से काम लेते हो? पूरा तुमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। हैदराबाद का तो तुम अल्लाह ही हाफिज़ है कि यहाँ पे कोई ना कहने वाला है ना कोई सुनने वाला है किसी का। अब आप बताओ हम क्या करें? अब इंतजामिया से तो अपील ही कर सकते हैं भाई कि खुदा का वास्ता, या तो इनकी कोई जगह बनाई जाए गाय को घुमाने की, या भाइयों को समझाया जाए कि भाई ऐसे गाय रोडों पे नहीं छोड़ी जाती। अगर छोड़ी जाती हैं तो उनका कोई देखभाल भी होती है। आप रोडों पे छोड़ देते हो, आवाम को नुकसान पहुंचता है इससे।